नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार आज देगी पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देश भर के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। केंद्र सरकार आज से ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायती राज मंत्रालय गुरुवार को ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करेगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को 5 दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। मौसम की पूर्व सूचना से किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे। दरअसल खेती किसानी और आपदा प्रबंधन में मौसम पूर्वानुमान का बहुत ज्यादा महत्व है। समय रहते मौसम का पूर्वानुमान मिल जाने से किसान अपनी फसल का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरह आपदाओं के प्रबंधन में भी मौसम पूर्वानुमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश भर के किसानों और ग्रामीण को सीधा लाभ मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतें प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेगी और इससे देश भर के किसानों और ग्रामीण को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और विज्ञान एवं औद्योगिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। कहां मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान? मौसम का पूर्वानुमान पंचायती राज्य मंत्रालय के डिजिटल मंचों ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इन मंचों पर ग्राम पंचायतों का तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी। इससे किसानों को बुवाई, सिंचाई और कटाई की गतिविधियों की योजना बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चक्रवात और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम स्थितियों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों और MSM अलर्ट भेजे जाएंगे, जिसमें लोगों की जान, फसल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इन डिजिटल मंचों को जाने ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूती करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य केंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित अकाउंटिंग में पारदर्शिता लाना है। ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिणामों को सुविधाजनक बनाना है। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने